जिला बिलासपुर में 6 डेंगू के मामले प्रकाश में आने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधीश राजेश्वर ठाकुर की अगुवाई में विशेष 6 निरीक्षण टीमों का गठन किया। इसके बारे में जिला बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद दुरोच ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर शहर में विशेष निरीक्षण टीम ने छापेमारी के दौरान डेंगू का लार्वा मिलने पर 5 मकान मालिकों को आधिकारिक तौर पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत 500 रुपए का जुर्माना भी किया है। जिला बिलासपुर में 6 डेंगू के मामले प्रकाश में आने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधीश राजेश्वर गोयल की अगुवाई में विशेष 6 निरीक्षण टीमों का गठन किया है। इस बारे में जिला बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद धड़ोच ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर शहर में विशेष निरीक्षण टीमों ने छापामारी के दौरान डेंगू का लार्वा मिलने पर 5 मकान मालिकों को आर्थिक तौर पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना किया है। उन्होंने बताया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अधीन नियमानुसार 500 रुपए से लेकर 5,000 तक आर्थिक रूप से जुर्माना डाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया कि जिला बिलासपुर में स्क्रब टाइफस के मरीजों का आंकड़ा 270 तक पहुंच चुका है। डॉक्टर प्रकाश ने ये भी दावा किया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार डेंगू व स्क्रब टाइफस पर स्वास्थ्य विभाग ने नियंत्रण पाया है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के कड़े परिश्रम व आम जनता के द्वारा प्रदान किए सहयोग से ही सफल हो पाया है। पिछले वर्ष जिला बिलासपुर में डेंगू से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा प्रदेश भर में सर्वाधिक 2000 के पार हुआ था, जबकि चालू वित्त वर्ष में डेंगू के मात्र 6 ही मामले प्रकाश में आए हैं। इसके अलावा जिला बिलासपुर में स्क्रब टाइफस से पीड़ित रोगियों का आंकड़ा 290 तक पहुंचा था, जबकि वर्तमान समय में 270 तक हो गया है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि डेंगू व आर्थिक तौर पर जुर्माने से बचने के प्रति अपने घरों में सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। सेरा टाइफस के लगभग जो इसके बारे में हम बात करें तो पिछले साल में लगभग इन दिनों में कोई 290 के करीब जो है मामले पॉजिटिव पाए गए थे, और अब तक जिला बिलासपुर में टोटल 270 के करीब जो सेरा टाइफस के मामले पॉजिटिव पाए गए। और इसके लिए भी हम लगातार जितने हमारे फील्ड फंक्शनरी बीएमओ तक रेगुलर एडवाइजरी इशू कर रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय के माध्यम से इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग लगभग कुछ 4 दफ़ा कर रहे हैं, और हर हफ्ते पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन तक जो है रेगुलर एडवाइजरी इशू की जा रही है, और जितना भी फील्ड स्टाफ है इनको इसके बारे में पूरी तरह से जो है वो आईसी कंपेन पूरे अप टू बिले लेवल तक इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, और इसके बचाव के लक्षण बताए जा रहे हैं, और इससे संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं वो हमारे उपकेंद्र तक उपलब्ध हैं। मेरा सभी जितने भी जनता से अपील रहेगी कि डेंगू के प्रति और सेरा टाइफस के प्रति जैसे कि इन सभी को पंचायती राज एसोसिएशन के माध्यम से जानकारी दी गई है, उसको एक अमलीजामा देने की कोशिश करें। जैसे कि अगर कभी वो फील्ड में जाते हैं तो पूरे कपड़े पहन के जाएं, और अपने घरों में जितने भी चाहे उनके कूलर हैं चाहे दूसरे फ्लावर पॉट हैं और सारे जो हैं इनको इनका पानी जो है डेली चेंज करते रहें, और अपने आसपास अगर कोई भी सोर्स है ब्रीडिंग सोर्स है तो उसको वो बंद करने की कोशिश करें।